माशाल्लाह हिंदी उर्दू अरबी परसेंट तमाम जबान जानता हूँ। मेरे जो साथी हैं डॉक्टर शेख, इनकी सोहबत में रहने से मैं उर्दू सीख चुका हूँ। मेरे जो साथी हैं प्रोफेसर बेग, इनकी सोहबत में रहने से मैं खैर मलिक साहब का बहुत बड़ा जो योगदान रहा है इस कॉलेज में, यहाँ पर आए लेकिन पैंडमिक की वजह से ज़्यादा नुमाया नहीं हो पाए। इसकी वजह यह है कि जो काम आदमी उस दिल जमी और दिलदगी से करना चाहता था, जिसमें आदमी सुरत के साथ बड़े फुर्ती के साथ काम करता, वो तमाम का तमाम इस COVID-19 ने सल कर उस पर, जैसे कि इंसान अपनी जिंदगी के लिए I go by the name of Fazlur Rahim, not Fazlul, Fazlur Rahim, yeah, Fazlur Rahim. Anyway, terminating moment of a very successful career spread over 38 years to be precise. It's a lifetime career. And I think must do higher education fraternity. But equally pleased that it has been a very successful career, lengthwise, quality wise, and contribution wise. I know their professor as a innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Honorable chief guest of the occasion, Professor Farooq Ahmad Malik Sahab, galaxy of principals, scholars, budding scientists, I feel a bit little among you to talk to the persons who have a treasure of knowledge in them. ज़माना एक, हयात एक, कायनात भी एक। ज़माना एक, दलील कम नजरी, किस्से कदीम और जदीद। दलील कम नजरी, किस्से कदीम और जदीद। आज की इस महफिल के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर फारूक अहमद मलिक साहब, मेरे दीगर अहबाब जिनका फर्दन फर्दन नाम लेना मैं लाजमी नहीं समझता हूँ, कि जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मैं रसूमात का कायल नहीं हूँ। इस कॉलेज के प्रोफेसर हजरात और दीगर सामईन किराम, इंसान को बयान करना या डिफाइन करना बहुत ही एक मुश्किल प्रोसेस है, जो हमारी राय किसी इंसान के बारे में होती है लाजिम नहीं है कि वो राय सही भी हो, और किसी इंसान को परखना जो है, उसको पहचानना जो है, वो इस कदर मुश्किल है कि जिस कदर इंसान को अपने आप को पहचानना इंसान के लिए मुश्किल है। यानी मैं जब अपने आप को नहीं समझता मैं किसी दूसरे को क्या समझ पाऊं। हाँ, थोड़ा सा हमारे एक्सपीरियंसेस होती हैं, हमारे तजर्बात होते हैं उस इंसान के बारे में, लेकिन उस बात वो लगभग 1980 से है, उन दिनों से
जब हम यूनिवर्सिटी में थे, शायद कॉलेज में मैं इनको नहीं जानता था, लेकिन एक चीज मुझे याद है कि बैडमिंटन के बहुत शौकीन थे यूनिवर्सिटी in Surah Yusuf, inna anzalna hu Quran arabiyya la alukum taqilun. Ya Rasul Allah, humne Quran Sharif ko arabi mein nazil kiya taaki arab wale log isko samjhe, understand kar sake. So there was a day in Women's College, MA Road, the university over there. To ek un dino ye IT ubhar hi raha tha, 2005-6-7 ki baat hai. To IT wale ne arabi wale se kaha, gururan shayad. अरबी थोड़ा विस्तृत कोई सब्जेक्ट, क्योंकि आईटी वाले को नक्शा दिया था ना नशा, आईटी रूल्स द वर्ल्ड. तो जो अरबी टीचर था, ही वाज गोइंग ओवर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन द पर्सन हु वाज टीचिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, उसने कहा अरबी मेरे अल्लाह की जबान है, अरबी मेरे जबरील की जबान है, अरबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान है, अरबी आने जन्नत की जबान होगी, और ये मेरी भी जबान है, आई एम टीचिंग द सेम लैंग्वेज. I can say with pride that Arabi is the best language. तो हमारे आज के मेहमान खुसूसी के लिए सबसे बड़ा एजाज जो है, he has been a student of Arabi and during this big spell of time, he has taught the same language. He has taught the language of Jabril. He has taught the language of Allah. He has taught the language of Sursursan. He has taught the language of Mahajan. शायद अरबी students अगर जन्नत में जाएं, हाँ अरबी वाली भी अगर जन्नत में जाएं, तो अरबी वाले को शायद वहाँ कुछ एक्स्ट्रा दिया जाएगा, क्योंकि आपने उस दुनिया में भी इस लैंग्वेज को पसंद किया था जब इस लैंग्वेज को बाकी लोग ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे. सो आई वॉन्ट बी वेरी ब्रीफ, कहने के तो बहुत कुछ होता है, लेकिन सुनिए, एक अच्छा टीचर जो है, फर्क साहब आपके लिए इतनी से ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता. यू हैव बीन एन अरबी प्रोफेसर, इट इज़ अ वंडरफुल लैंग्वेज, इट अ लैंग्वेज ऑफ अल्लाह, इसके मुझे बार बार कुरान में जिक्र आया है, तो इसे और क्या हो सकता है. यू हैव चूज़न द सेम, दो आई वाज यस्टरडे रीडिंग ऑन सम फेसबुक, फारूक साहब हैज बीन द स्टूडेंट ऑफ सम मिशनरी स्कूल, तो मिशनरी स्कूल का इज इट ट्रू, इसलिए लिख रहा था. हाँ बिल्कुल, तो सेंट जोज में पढ़ने के बावजूद भी फिर इंसान अरबी सेलेक्ट करे, तो ये तो कोई मामूली बात नहीं है, तो बहुत ही बड़ी बात है. तो जो हमारे यहाँ अलग से, तो यहाँ जो हमारे प्रोफेसर साहिबान हैं, मोस्ट ऑफ यू आर ऑफ द एज ऑफ माई सन, मैंने ज्वाइन हियर, तो आप उन्हीं दिनों आ रहे थे एक एक करके पब्लिक रिस्क्रिप्शन हो के, तो आपके लिए एक नसीहत मैं करना चाहता हूँ. मैन आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ इस कॉलेज को मैंने तीन दफ़ा दाखिला लिया है, वंस एज ए स्टूडेंट ड्यूरिंग 82-83, देन आई वॉज टीचिंग द सेम कॉलेज फॉर मोर देन 7 years, देन आई वॉज हियर फॉर मोर देन 2 weeks. Rather exact 2 weeks, it was this month 2019. The teachers ke liye sabse badi nasihat jo hai, so that you are respected outside the college gate, be sincere and be well-wishers of your students. Jab main Dr. Sahab, Irshad Sahab ne Barawala mein bhi yeh baat ki thi, us din agar aapko yaad hoga, agar Lal Chowk mein koi bacha daud ke aata hai, to jo aapko whom you don't identify who you are, और वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैम, अस्सलाम वालेकुम सर, तो आप ताज्जुब से कहते हैं बेटा क्या हुआ, आप सर यू हैव बीन माय टीचर, देन यू आर ए सक्सेसफुल टीचर. कॉलेज गेट के अंदर, डर के मारे हर स्टूडेंट नमस्कार करने के लिए तैयार रहते हैं. इट वॉज बीएससी सेकेंड ईयर, तब 2 साल का कोर्स हुआ करता था, आई वॉज स्टूडेंट हियर, तो हम सर गेट के बाहर, गेट के अंदर बैठे थे एंट्री पर, तो सेशनल कंडक्ट करने के लिए एक्सटर्नल किसी दूसरे कॉलेज से आता था. जो भी कोर्ट वाला एग्जाम स्टार्ट होने तक गेट से अंदर दाखिल हुआ, तो हम सब खड़े होते थे अस्सलाम वालेकुम सर, हम अंदाजा लगा देते हैं.
I would like to invite Shimima ji and Madin saab will accompany in presenting this gift to Shimima ji, who retired on 30th of June, and because of pandemic we could not celebrate her super elevation. For rendering 38 years service in higher education department to our dignified, respectful chief guest, our principal Sir Abhijit. And I think in this moment, every one of us, all the people sitting on the lower side, and as well as we are going to present a moment of our ending such, sir, and he is the longest serving principal presently. Sir, I also invite all the principals to come, mother. At least all the principals. All, as well as our ex principal. And then in next session, we will be. So also, our youngest girl, Jitne Sare Hain, I think it was. Respected Farooq Ahmed Malik Saab, Chief Guest Man of the Event, Mr. Sahil Saab, Shamima, there's a good kind of environment here that's giving the soothing atmosphere to these three people. Well, where from I'm going to start? When a child starts schooling, there's generally a fantasy that develops in man, and that fantasy starts with beauty, then reaches to quality, and ultimately it concludes at reality. So when we talk of beauty, it is the fantasy that develops in all youth, right from the age, I would say, 4. As whatever he says in the surroundings, in human being, in plants, in buildings, in relations, he worships beauty. Everywhere he worships beauty. But there is an age that develops in him a kind of maturity. And there he starts talking now about quality. So the person starts then filtering things. What are the relevant things that is of quality, that is of help to society, that is of help to the status? I will finish with him. Dignitaries on the dais, Professor Beg Saab, Professor Irshad Saab, Professor Mushtaq Saab, Professor Shimim Saab, and above all, man of the moment, guest of honor, Professor Farooq Saab. Dignitaries of the dais, particularly the beloved family of our principal, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nothing begins, nothing ends without a movement. Of others' pain we begin, and we end of our own. This world is a strange world. When we break into this world, we have no one here, but settle with a lubricated ease. We have not undergo pain. Anyone other bears the pain. But when we leave this world, we have to bear the pain. We are, because we have committed some mistakes, that is why at the time of leaving, we have to bear the pain. How you look to this event, which is called the super elevation? The event is which commemorate conclusion. They are always difficult to speak on. Then the event is which commemorate commencement. If I am commemorating the commencement of any of my colleague, he is beginning his career, it is easy to speak on. But it is very difficult to speak on when you are concluding. On the way you are concluding, you are ending. On the other hand, I have to pay tribute to you. It is something, it is regularly a difficult thing to. So how do you speak to, how do you see this event?
It depends on the standpoint from which you will see to this occasion. मेरे मोहतरम दोस्त उस्ताद जनाब निशान साहब, जनाब फजल रहमान बीग साहब, डॉक्टर मुश्ताक साहब, डॉक्टर शमीम साहब, आप गडाइस, डॉक्टर नजीर साहब, प्रोफेसर शेजी साहब, डॉक्टर फयाज साहब और दीगर हजरात कॉलेज के सदस्यों और गैर तदरीसी प्रशा की हमारे यहाँ पर आए हुए तमाम खवातीन हजरात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेक्सपियर सेज, टाइम इज पास, years pass, time is decay, but memories remain. Therefore, I think I exist. It's an honor for me to have been asked to present a vote of thanks on this occasion of the superannuation of our respected principal. Before expressing my gratitude to all the dignitaries and the speakers, I will be failing in my duties if I do not say few words about Professor Farooq Munbalik sir. I had a privilege